जगदलपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां जगदलपुर में शीत ऋतु के आगमन के साथ ही विदेशी मेहमान रेड नेप्ड आइबिस का आगमन हो चुका है। आपको बता दें कि इस समय दलपत सागर इन विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंज उठता है। रेड नेप्ड आइबिस की खूबसूरती देखते ही बनती है। तस्वीरों को वर्ल्ड फोटोग्राफर संतोष पांडे ने अपने कैमरे में भी कैद किया है और उन्होंने बताया कि रेड नेप्ड आइबिस को इंडियन ब्लैक आइबिस भी कहा जाता है। रेड नेप्ड आइबिस का काला शरीर होता है, इसके कंधे पर एक सफेद पैच और सिर पर एक काले रंग का धब्बा होता है। सिर और गर्दन के पीछे वाला भाग लाल होता है। ये बहुत तेज आवाज करता है। ये अपना घोंसला बड़े पेड़ के ऊपर बनाता है। वल्चर कंजर्वेशन एसोसिएट सूरज कुमार का कहना है कि अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम सबको मिलकर उनके संरक्षण के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। तस्वीर देखिए, कितना खूबसूरत पक्षी। रेड नेप्ड आइबिस देखा, रेड नेप्ड आइबिस की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कि आईयूसीएन के हिसाब से यह तो एक रेड लिस्टेड पक्षी नहीं है, बट इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जा रही है। अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर और नॉर्थ साइड पे जो है प्रवासी पक्षी आते हैं हमारे यहाँ पे, जो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जो भारत के बाहर से भी आते हैं कुछ पक्षियाँ। ठंड शुरू होती है बरसात के बाद में, तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं। पिछले साल जो हमने दलपत सागर में जो फोटो शूट किए थे वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ अलग अलग प्रजाति के थे, जो लगभग 30-35 प्रजाति के यहाँ पे आए थे, जिसे सबके फोटो शूट हमने रखे हैं।